dimension. These factors combine to create the visuals which are presented to you by Doordarshan. राजनाथ सिंह के पीछे ललन सिंह नजर आ रहे थे, सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, किरण रिजिजू, श्रीपद यशो नाइक, और ठीक पीछे अगर आप देख पा रहे हैं तो हर्ष मल्होत्रा जो दिल्ली से चुनकर आए हैं, उन्हें भी संभवतः मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। वीरेंद्र खटीक भी नजर आ रहे हैं, मनसुख मांडविया, अमित शाह और राजनाथ सिंह, दो दिग्गज राजनीतिज्ञ जिन्होंने बीते 10 वर्षों में कहें राजनाथ सिंह के नजरिए से मंत्रिमंडल में धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, पीछे गजेंद्र सिंह शेखावत भी हमें नजर आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये वो क्षेत्र है संजीव जहां पर अटकलें हैं कि जो इन कुर्सियों पर विराजमान हैं वो भावी मंत्री परिषद के सदस्य हैं। नहीं, अब इसमें अटकल तो कोई नहीं है, ये तो वही चेहरे हैं जो अब कुछ ही देर में, सबसे पहले हम सब जानते हैं जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होता है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं पद और गोपनीयता की, और उसके बाद मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, और फिर उसके बाद राज्य मंत्री। तो यही क्रम रहेगा। अब ये वो चेहरे हैं और देश के सामने हैं अब ये चेहरे। ये नए भारत की नई तस्वीर है, ये आज का नया भारत है, नई सोच के साथ डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और अतुल्य विजन और इम्प्लीमेंटेशन और ऐसे अधोसंरचना के ऐसे प्लान के साथ आगे बढ़ रहा है, योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। वसुधैव कुटुम्बकम के ध्येय वाक्य के साथ G20 के भव्य और अर्थपूर्ण आयोजन से भारत की नेतृत्व क्षमता विश्व पटल पर मजबूती से स्थापित भी हुई है। हर मुश्किल में अन्य देशों की मदद का हाथ बढ़ाने वाला भारत आज विश्व बंधु